जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा होगा। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने दंडवत प्रणाम किया होगा या करते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि दंडवत प्रणाम क्यों किया जाता है और ये प्रणाम महिलाओं को करना चाहिए कि नहीं? अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो चलिए हम बताते हैं कि दंडवत प्रणाम क्यों किया जाता है और महिलाओं को ये क्यों नहीं करना चाहिए। अगर उनको करना भी है तो ये दंडवत प्रणाम उन्हें कैसे करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान को दंडवत प्रणाम करने का सही तरीका। आपने कभी ये देखा है कि कई लोग मूर्ति के सामने लेटकर माथा टेकते हैं? जी हाँ, इसी को साष्टांग दंडवत प्रणाम कहा जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि इस तरह प्रणाम करने से व्यक्ति का हर एक अंग जमीन को स्पर्श करता है, जो कि माना जाता है कि व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ चुका है। इस आसन के जरिए आप ईश्वर को यह बताते हैं कि आप उसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। यह आसन आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया है कि महिलाएं इस प्रणाम को क्यों नहीं करती? इस बारे में शास्त्र में बताया गया है कि महिलाएं दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार स्त्री का गर्भ और उसके वक्ष कभी जमीन से स्पर्श नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका गर्भ एक जीवन को सहेज कर रखता है और उसका वक्ष उस जीवन को पोषण देता है। इसलिए यह प्रणाम को स्त्रियां नहीं कर सकती। और जो स्त्रियां दंडवत प्रणाम करना चाहती भी हैं, तो उनको ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए कि जिससे कि धरती पर उनका वक्ष और उनका उदर दोनों ना टच करें। तो इसलिए यह प्रणाम स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां यह प्रणाम करती हैं तो उन्हें यह प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरी है, करना ही है, तो उन्हें अपना उदर और अपना वक्ष धरती से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो दंडवत प्रणाम कर सकती हैं। तो दोस्तों कैसी रही आज की जानकारी? आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।